मोटो एच 50 प्रो। देखो ये फ़ोन जो है प्रीमियम मिड सेगमेंट में लॉन्च हुआ है और इसमें अट्रैक्टिव डिजाइन, कर्व डिस्प्ले, 125 वाट की चार्जर और 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप है और ये सब कुछ मिलता है आपको केवल 31,999 में। तो यदि आप इस फ़ोन को लेने के लिए सोच रहे थे तो डेफिनेटली ले सकते हो, बट उससे पहले वीडियो एक बार ज़रूर देख लेना क्योंकि इसका अच्छाइयाँ तो मैं बताऊँगा ही, साथ इसके प्राइस के अकॉर्डिंग इसमें क्या कुछ कमियाँ देखने को मिलता है उसको भी बताऊँगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं इसकी अच्छाइयाँ से। तो देखो मेरे को इस फ़ोन में सबसे पहले चीज़ अच्छा लगा इसका डिज़ाइन। देखो ये बिगन लेदर और मेटल फ्रेम के साथ आता है जो कि नो डाउट यार फ़ोन दिखने में तो काफ़ी गुड लुकिंग है। और हाँ, यदि फ़ोन को हाथ में भी पकड़ते हो तो ऐसा लगता है जैसे कोई ढंग सा फ़ोन पकड़े हैं, मतलब कि काफ़ी हैंडी और प्रीमियम वाली फील आती है। और ये एक 5G फ़ोन है तो इसमें 15 5G बैंड का सपोर्ट है, IP68 का रेटिंग है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, NFC का सपोर्ट और डुअल स्टीरियो स्पीकर है वो भी डॉल्बी एटमॉस के साथ। और इस फ़ोन में मेरे को दूसरी चीज़ काफ़ी अच्छा लगा इसका डिस्प्ले। देखो ये फ़ोन जो है 6.7 इंच का 1.5K रेजोल्यूशन 144Hz OLED डिस्प्ले है विथ सेंटर पंचुअल के साथ और ये एक कर्व डिस्प्ले है तो बेजल और जिन दिख ही नहीं रहे हैं और डिस्प्ले सामने से दिखने में काफ़ी मॉडर्न दिख रहा है। बाकी इसमें 2000 निट्स की ब्राइटनेस और HDR10+ का सपोर्ट है। तो यूट्यूब पर आप 4K वीडियो HDR कॉन्टेंट देख सकते हो। हाँ ये बात अलग है कि वीडियो जो है एकदम हल्की सी अटक अटक के चलता है। बाकी इसके अलावा ये फ़ोन जो है बैक साइड ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आता है जो कि इसका मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का विथ OIS के साथ और दूसरा अल्ट्रा वाइड प्लस माइक्रो कैमरा 13 मेगापिक्सल की है और तीसरा 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा है जिससे आप 3x ऑप्टिकल जूम कर सकते हो। बाकी इसका सेल्फी कैमरा जो है वो 50 मेगापिक्सल की है और इसके रियल और सेल्फी कैमरा दोनों से ही आप 4K वीडियो 30fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और ये फ़ोन जो है न्यू हेलो UI के साथ रन करता है जो कि आउट ऑफ द बॉक्स एंड्राइड 14 पर बेस्ड है और इसमें आपको 3S की मेजर अपडेट और 4S की सिक्योरिटी अपडेट मिलेगी तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। तो ये तो था इस फ़ोन की कुछ अच्छाइयाँ, बट अब जान लेते हैं इसके प्राइस के अकॉर्डिंग इसमें क्या कुछ कमियाँ देखने को मिलता है। तो देखो इस फ़ोन में मेरे को सबसे पहली कमी नज़र आई इसके परफॉर्मेंस में। ये फ़ोन जो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 प्रोसेसर के ऊपर आता है जिसका एंटीटी स्कोर लगभग 8.5 लाख प्लस है। देखो इसमें आप मीडियम टू हाई सेटिंग में 60fps तक गेमिंग कर सकते हो नो डाउट, लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म तक के लिए गेमिंग करते हैं तो उस मामले में आपको ये फ़ोन थोड़ी सी निराश कर देगी क्योंकि फ़ोन हल्का फुल्का हीट भी होने लगता है और हल्की सी लैगी सी फील होता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। और दूसरा कमी लगा मेरे को इसके रैम टाइप और स्टोरेज टाइप में जो कि इसमें LPDDR4X रैम टाइप है और UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप है जो कि इस प्राइस पॉइंट में 4.0 का स्टोरेज टाइप होता है या फिर 3.1 का ही स्टोरेज टाइप होता है तो काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि अभी के टाइम में हमें UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप 10 से 15 हज़ार के फ़ोन के अंदर देखने को मिल रहा है और मोटोरोला वालों ने 30 हज़ार के फ़ोन में ये चीज़ दिए हैं, तो आप खुद बताओ ये चीज़ एक्सेप्ट करने लायक है ये फिर नहीं। और इसके अलावा इसमें 4500 mAh की बैटरी मिलती है जो कि ये भी एक माइनस पॉइंट हो सकता है, कम से कम इस प्राइस पॉइंट में हमें 5000 mAh की बैटरी देना ही चाहिए था। और हाँ ये 125 वाट की चार्जर को सपोर्ट करता है, बट हाँ यदि वहीं पे इसके बेस वेरिएंट को लेते हो तो केवल 68 वाट की चार्जर देखने को मिलता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। बाकी ये फ़ोन जो है इंडिया में केवल 2 वेरिएंट में लॉन्च हुआ है, 8GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज के साथ जिसका प्राइस है 31,999 और दूसरा वेरिएंट है 12GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज के साथ जिसका स्टार्टिंग प्राइस है 35,999 और इसमें 2,550 रुपये इंस्टेंट डिस्काउंट होता है HDFC बैंक के कार्ड में, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा है। तो यही था दोस्तों इस फ़ोन का अच्छाइयाँ और कमियाँ, आप सबको कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।